दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोनगढ़ में और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कल ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। तो दोस्तों यहां पर पूरी तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो बस स्टॉप पर ये है स्टेज बन रहा है यहां पर और यहीं पर आने वाली है पूरी बैंड, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस कॉलेज से आएगी बैंड और अभी आपको हम दिखाते हैं पूरा स्टेज। संख्या में युवाओं 9 अगस्त की उजवणी माटे राह जोईने बैठा था। काले 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यूनो द्वारा घोषित करवामां आव्यो। सोनगढ़मां दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण युवानों द्वारा तनतोड़ मेहनत करीने आदिवासी समाज वती अमे विश्व आदिवासी दिवसनी उजवणी करवा जई रह्या छे। खूब ज झड़पथी तैयारीओ चाली रही छे। अमारा घणा युवानो जाते मेहनत करीने स्टेज बनावी रह्या छे, साउंड लगावी रह्या छे। आवती काले राबेता मुजब 9 जेटली बेन्ड पार्टीओ साथे रेली काढवाना छे। गुजरातना मुख्यमंत्री पण आज सोनगढ़मां गुणसदा खाते आवी रह्या छे आदिवासी दिवसनी उजवणीने लईने। त्यारे आदिवासी समाजमां खूब ज उमळका भेर आयोजन करीने खूब ज मोटी संख्यामां युवानो सोनगढ़ खाते विश्व आदिवासी दिवसनी उजवणी करवामां आवशे। मणिपुरनी घटनाने लईने सोनगढ़ना आदिवासी समाजना युवानो द्वारा काळा कपड़ा पहेरीने आदिवासी दिवसनी मणिपुरनी घटनाने पण वोखड़वा माटे काले घणी मोटी संख्यामां युवानो आवशे। अमारा घणा बधा युवानोनो कहेवुं छे के गया वर्षे 40,000થી પણ વધારે લોકો હતા પણ આ વર્ષે એની ડબલ લોકો સાથે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે। રેલી સમયસર નીકળશે, રસ્તે નાચગાન સાથે યુવાનો નારા બોલાવતા આ સોનગઢના બિરસા મુંડા સર્કલે આવીને બિરસા મુંડાને પુષ્પાંજલિ કરીને આ સોનગઢના બસ સ્ટેન્ડ પર પોલીસ સ્ટેશનની સામે ખૂબ જ વિશાળ જાહેર સભા થવા જઈ રહી છે। આપના માધ્યમથી હું આદિવાસી સમાજના તમામ નાના મોટા આગેવાનો અને તમામ લોકોને હૃદયપૂર્વક અમે હાર્દિક જાહેર આમંત્રણ આપીએ છીએ, તમે આવો અને આપણા આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને ઝાંખી કરાવવા માટે તમામ યુવાનો આપણે સાથે મળીને 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ। में विश्व आदिवासी दिन की उजवणी करने वाले जैसे हमारे प्रमुख हैं सुभ भाई ने आपको बताए हैं 9 जैसी बैंड पार्टी है और जो मणिपुर में हो तो उसका विरोध करने वाले हैं, तो जरूर आना। हमारे सुभ भाई ने बहुत ही 9 बैंड पार्टी रहने वाली है तो जरूर आना दोस्तों, प्लीज थैंक यू। और दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पूरा स्टाफ है डीजे वाले का, भाई कल इनका ही डीजे बजने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेटअप चालू है। हाँ भाई, ओ भाई भाई, हाँ जरूर। तो गाइस प्लीज कल आना सोनगढ़ में। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 8 बैंड है सोनगढ़ में। पहली बैंड है अरुण बैंड, दूसरी बैंड है जय बजरंग बैंड, तीसरे नंबर की बैंड है सुब्रत बैंड, 4 नंबर की बैंड है शिव शक्ति बैंड घोबरे, 5 नंबर की बैंड है संग्राम बैंड बोरदा और रॉकी स्टार 2 गाँव का नाम है बोरदा और रुपर स्टार बैंड है और कौन सी बैंड इतनी है ना 8 बैंड है। तो दोस्तों जरूर आना कल और ये सभी आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से काम चल रही है इनका, सही है सभी दोस्त देख सकते हो सभी डीजे वाली है, तो कल जरूर आना। वैसे टाइम 10:30 बजे पहले यूसुफ भाई के घर पर रहेगी बैंड, वहाँ पर जो बिरसा मुंडा का जो वो स्टेचू है वहाँ पर, हाँ फुला कर उसके बाद में यहाँ पर आएंगे 10:30 बजे 11 बजे आप लोग इधर आ जाओ। और दोस्तों जो यहाँ पर सेटअप हो रहा है वो डीजे का नाम है एलरे साउंड अजर। दोस्तों ये पूरी बैंड को टक्कर देने वाला है, सही ना? सही है। क्योंकि मुझे पता ही साउंड कैसा है। कौन सा नाम बोला डीजे का नाम? एलरे साउंड अजर। तो पूरी बैंड यहाँ पर आएगी और आप कल ही देख लेना जैसे साउंड बजेगा ऐसे बैंड को टक्कर देने वाले, तो अभी क्या बोल सकते, सही ना? सही। सो ओके गाइस, यही इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर, और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी दोस्त काम कर रहे हैं। देखो गाइस दोस्तों तुम ऐसा काले हैं और डीजे वाले खूब मेहनत की रही है, मुझे गमित भाषा बोला पर नरी पे ने आपको दोस्ता रहे क्या हिंदी में काका पे भी आता है बोले क्या डीजे वाले ने
मुलाकात पहली बार ये भी चलिए दोस्तों निकालिए जा।